बिना मोबाइल नंबर के यूज किए या फिर बिना मोबाइल नंबर को दिए आप एक ब्रांड न्यू जीमेल अकाउंट को कैसे क्रिएट कर सकते हो कि अपने मोबाइल से। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा टिप देना चाहूंगा जो कि है, अगर आप एक ही मोबाइल नंबर से 5 जीमेल अकाउंट या फिर उससे ज्यादा जीमेल अकाउंट क्रिएट करते तो आपके लिए हो सकता है खतरा, क्योंकि गूगल भी आपको इससे लग सकता है आप स्पैम कर रहे और गूगल आपके सारे अकाउंट मतलब कि उस मोबाइल नंबर से आप जितने भी जीमेल अकाउंट क्रिएट कर रखा है वो सारा डिलीट कर सकता है। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, इससे अच्छा है तो भाई बिना मोबाइल नंबर के जीमेल अकाउंट बनाया जाए। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देख लेते कैसे बिना मोबाइल नंबर के यूज किए मोबाइल से जीमेल अकाउंट को क्रिएट किया जाता है। फ्रेंड्स बिना मोबाइल नंबर दे अगर आप किसी जीमेल अकाउंट या फिर गूगल अकाउंट को क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंपली जीमेल ऐप पे जाना होगा। जीमेल ऐप पे जाने के बाद आपके यहाँ पे 3 लाइन दिखेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे एक एरो दिखेगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। एरो पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे ऐड अकाउंट का ऑप्शन जो है आ जाएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद गूगल को सिलेक्ट कीजिए। गूगल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चेक इन इन्फो करके एक लोडिंग होगा, एक पेज आएगा। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है, उसके बाद साइन इन का पेज आएगा और नीचे आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन जो है मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट अकाउंट का पेज जो यहाँ पे खुल चुका है। पेज खुल जाने के बाद आप यहाँ पे सिंपली अपना नेम जो है फिलअप कर दीजिए, जैसे कि मेरा नेम है उज्जवल और मैं यहाँ पे लास्ट नेम अपना दे देता हूँ PRASAD। उसके बाद आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आपका बर्थडे जो है पूछा जाएगा। बर्थडे आप यहाँ पे अपना दे दीजिए, मैं सिर्फ मैं यहाँ पे अपना बर्थडे दे देता हूँ 12 फरवरी 1997। और यहाँ पे अपना जेंडर जो है सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी एक ईमेल अकाउंट चूज कर सकते हैं जो कि अभी अवेलेबल है आपके नाम पे। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन अप विथ फोन नंबर भी ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप बिल्कुल भी मत क्लिक कीजिए। इसके बाद आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाएगा और मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है फिल कर दिया है। और उसके बाद मैं सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने ऐड फोन नंबर का पेज आएगा, पर यहाँ पे आपसे नंबर वंबर कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। आप यहाँ पे सिंपली स्किप कर दीजिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे प्राइवेसी एंड टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका अकाउंट जो है तैयार हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट करने के लिए बोला जा रहा है, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे चेक इन इन्फो होगा, यहाँ पे चेक इन इन्फो होने के बाद देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे देखिए आपका अकाउंट जो है यहाँ पे बन गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका अकाउंट जो है ऐड हो चुका होगा। ओ यहाँ पे बहुत सारा प्रोसेसिंग चलता है ना, इसलिए शायद थोड़ा टाइम लग गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया है। फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपने इस ट्रिक के यूज किया या नहीं। दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा जिसके मोबाइल में बहुत सारे जीमेल अकाउंट है, जो गेमर्स है या फिर कोई और काम करता है बहुत सारा जीमेल अकाउंट जैसे कि आजकल सभी के मोबाइल में रहता है, उसे आप जरूर शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही घंटी वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।